तो कैसे हैं आप लोग? हाय, आज आपके भाई को 100 लेवल पे न्यू क्विजेड स्किन मिल चुकी है और आपका भाई इसे अपग्रेड करके भी दिखाएगा, लेकिन वो किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएगा, ठीक है। आज हमारे सर्वर में आने वाली ड्रॉप गई, तो चलते हैं अपने सोशल सर्वर में जल्दी सा। ये देख लो भाई, हम अपने सोशल सर्वर में भी आ चुके हैं। अब हमारे पास कितने हावर है गाइज, देख लो, 1 आवर 42 मिनट्स है और 1 घंटा 17 मिनट के लगभग में ड्रॉप आती है, ठीक है, मेडल वाली ड्रॉप। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और सभी को मैं बैटल चैट में बोल भी दूंगा। ये देख लो भाई, ये जो घर मैंने बनाया है, ये मैंने वुडन क्लब फाइट के लिए बनाया है, जो कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई कि वुडन क्लब फाइट आप कहाँ करवाते हो और कैसे करवाते हो। तो ये देख लो भाई, हम बीच में एक घर एक टीसी रख देते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ आपके पास एरिया होता है जहाँ पे आप वुडन क्लब से फाइट करते हो, तो इसे हम बाद में दिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। और अभी तो हो गया है भाई ड्रॉप का टाइम, तो देखते हैं कितना जल्दी हमारा ड्रॉप आता है। तो आई होप अब आने वाला होगा, क्योंकि अब 1 घंटा 16 मिनट बचे हैं। ये देख लो, फाइनली हमारा ड्रॉप भी आ गया है हार्वर में। तो मैं यहाँ पे सबको बैटल चैट में बोल देता हूँ भाई कि सारे लोग हार्वर जाओ, क्योंकि ड्रॉप तो वहीं आई है। ये देखो, मैंने बता भी दिया कि हार्वर जाओ सब, और हम अब खुद अभी हार्वर जाएंगे, ठीक है। देखते हैं वहाँ पे कौन सा बंदा सबसे पहले आता है, ठीक है, और कौन मुझे बैच ड्रॉप लूट के देता है, बैच कौन लूट के देता है, तो हम उसी को देखेंगे। तो हार्वर के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 और 51 99, ठीक है, और इसका जो एक और कोड है वो भी X और Y, मतलब एडमिन पावर की यूज़ से मुझे, मैं हार्वर जा रहा हूँ। ये देख लो, ये क्या भाई, मैं तो आते के साथ ही यहाँ पानी में डूब गया। ऊपर से पूरा हार्वर मेरे को सन्नाटा क्यों दिख रहा है, ये देख लो भाई, पूरा सन्नाटा दिख रहा है, मतलब ग्राफिक्स बहुत ही लेट लोड हो रही, मेरे को समझ में आ गई है, ठीक है। ये देखो, हमारी ग्राफिक्स भी लोड हो चुकी है गाइज, और हमारा ड्रॉप भी आ चुका है। ये देखो, यही है गाइज बैड ड्रॉप। अब बैड ड्रॉप और जो सिंपल ड्रॉप होते गए कुछ खास अंतर नहीं होता है, जब तक वो ड्रॉप आप खोलोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगर भाई किसी को कुछ लगता है कि हाँ कुछ खास अंतर होते हैं, तो प्लीज़ मेरे को जरूर से कमेंट में बताना कि इसमें क्या खास अंतर होता है। अब भाई मैं एडमिन हूँ फिर भी इन लोगों से इसलिए डर रहा हूँ गाइज, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे और भी बंदे आए होंगे जो कि मतलब सोच रहे होंगे ये कौन बंदा आ गया, किसके पीछे ये लोग भाग रहे हैं, तो कहीं वो अपनी बुलेट वगैरह मुझ पर ही ना वेस्ट कर दे, इसलिए मैं एक अच्छी सेफ जगह चलाया। यहाँ देखो, बंदे आ भी गए यहाँ पे, ठीक है, और किसी ने ड्रॉप को ओपन कर भी दिया और मैंने OPV भी लगा लिया है ताकि कोई बंदा मेरे को देख ना सके, अब वो इजीली अपना काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये मैंने एडमिन गन ही हमारी, ठीक है, इसमें मैं कुछ बुलेट डाल लेता हूँ, आई होप कभी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब पड़ती तो नहीं है गाइस, लेकिन पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी हो, मैं अपने बेस का लोकेशन बता देता हूँ, वुड क्लब फाइट जहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बैट फाइट, ये देखो। और हाँ गए, आज मेरी इस वीडियो को देख के जरूर से बताना आखिर इसका जो असली विनर था इस बैच का, वो विनर कौन होने वाला है, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते भाई कि कौन हमें बैच देता है उठा के। यहाँ पे मैं सबको रेडी कर लेता हूँ कि भाई मतलब किस से मतलब नहीं लड़ना है, ठीक है, आर्मर के लिए नहीं लड़ना है। और मैंने सबको रेडी बोल दिया भाई कि सब मिलके रेडी रहो, क्योंकि यहाँ पे जैसी कोई बंदा ड्रॉप में को लूट के देगा, ये देख लो इधर पड़ी बहुत सारे बंदे हैं जो कि मैं देख पा रहा हूँ। ये देख लो भाई, वहाँ पे अच्छी फाइट चल रही है, मतलब 2-3 बंदे एक बंदे को मार रहे हैं ना, क्या कर रहे पता नहीं। जो भी हो, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बंदा और आ चुका। ये देखो भाई, ये बंदा अचानक से नॉकआउट हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये बंदा नॉकआउट कैसे हो गया यार, मतलब कुछ समझ नहीं आया। अगर बहुत सारे टीम भेज रहे गाइज, मतलब सोशल सर्वर में उतना ज़्यादा आता नहीं। अब तो एक और कारण है भाई कि वहाँ पे देखो भाई, आप लोग गाली गलोच करते हो, बहुत सारे बंदे हैं जो कि मतलब वहाँ पे गाली गलोच करते, तो इसीलिए मुझे मतलब पसंद नहीं आती, तो मैं और भी ज़्यादा नहीं आता हूँ। और हाँ, इस सर्वर के बाद, इसके बाद तो एक और सर्वर मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन हाँ भाई मतलब उसके बाद फिर हो सकता है कि कुछ दिन ना बनाओ भाई, क्योंकि देखो आप लोग मतलब यार गाली गलोज करते हो यार, अपने ही मतलब दोस्तों अपने ही कंट्री वाले को आप गाली गलोज करते हो यार, क्या ही मतलब बोलो। जो भी होगा जी, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही खराब लगा। यहाँ पे किंग आ चुका है जो कि मतलब ऊपर से रॉकेट लॉन्चर से मार रहा है सारे को, लेकिन फिर भी एक बंदा देखो ड्रॉप के पीछे कैसे नुका हुआ है गाइस। हाँ, यहाँ पे वही घड़ी आ चुकी है गाइस जो कि आपको बताना है कि आखिर ड्रॉप का असली विनर कौन है इस मेडल का, ठीक है। मैं तो फुल कन्फ्यूज था, लेकिन गाइस इस बंदे ने मतलब वो मेडल छोड़ दिया था पहले, इसीलिए मेरे को देना पड़ा इसे, लेकिन फिर भी आप देख लो, और आप मतलब असली विनर आप चूज करना गाइस कि कौन है असली विनर, ठीक है। चलो अभी अब ड्रॉप खुलने ही वाली है, हम थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। ये देखो फाइनली हमारा ड्रॉप अब लगता है खुल भी गया है, चलो देखते हैं। ओ भाई, एक और बंदा यहाँ पे आ गया उनसे फाइट लेने के लिए,
ओ भाई अभी तक ड्रॉप हमारा नहीं, अब खुला जाके ये देखो भाई, अब एक बंदे ने ड्रॉप लूट लिया है, ओ भाई लेकिन ये नॉकआउट होते होते ड्रॉप यहाँ पे गिरा देता है बैच। इसके बाद राज भाई उठा के हमें देते हैं RA798, ठीक है ये उठा के हमें देते हैं। अब देखो भाई इसे भी किसी ने पीछे से मार दिया, अब बताना गाइस कि यहाँ पे असली विनर कौन था ड्रॉप का, ठीक है मुझे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज था मैं, लेकिन जिसने मतलब लूट के दिया था गाइस सबसे पहले जो मेरे पास लाया था मेडल मैं उसी को दे दिया, लेकिन आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना कि इसमें असली विनर कौन था, मेरे को भी अभी तक कंफ्यूज हूँ कि कहीं आरे तो विनर नहीं था, क्योंकि उस बंदे ने लेकिन एक चीज़ थी गाइस कि उस बंदे ने उठाई थी, ठीक है जब 13-10 ने अपना मेडल गिराया तो उस बंदे ने उठाया था और उसको पीछे से ऐसे तो किंग ने मार दिया था, तो इस तरह तो किंग भी उठा सकता था, तो इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। अब जो भी हो उसे हम छोड़ते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने सही जगह पे। ये जो दो बंदे जो बाहर सोए हुए गए ये आए थे एकदम आज ही के दिन लास्ट दिन, ठीक है ये बंदा कौन है भाई ये तो मैं नहीं देखा, लेकिन ये बंदा गन लिए हुए था जो कि दूसरे बंदे को नॉकआउट कर रहा था। तो भाई मैंने पहले ही बोला अगर आपको मेडल के लिए लड़ना है भाई तो बिना गन और आर्मर का आना है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ भाई, जो इस बार जो फाइट होने वाली भाई, तो मैं इस बार साफ कह दूँ भाई कि इस बार जो भी मतलब बैच मिलेंगे वो नए बंदों को मिलेंगे, ठीक है चाहे जितने भी बंदों को मिले तो इस बार बैच नए बंदों को मिलने वाला है, ठीक है। इस बार तो मैंने कुछ पुराने बंदों को भी दे दिया है जो कि मतलब पहले से ड्रॉप लिए हुए थे, मतलब बैच लिए हुए थे उन्हें भी दे दिया, लेकिन इस बार मैं नए बंदों को देने वाला हूँ। यहाँ पे किंग जो कि मतलब स्किन लगाया हुआ था तो मैंने उसे स्किन उतारने के लिए कहा और आर्मर दिखाने के लिए कहा, तो देखो वो सामने वो बंदा स्किन अपना उतारता है, ठीक है और आर्मर दिखाता है। हमें इन सबको बोलता हूँ आजा भाई जल्दी से आजा, लेट क्यों कर रहा है यार, चलो देखते किंग का क्या हाल है। तो ओके उसने मतलब अपनी आर्मर दिखा दी, उसके पास फिलहाल अभी कोई आर्मर तो नहीं दिख रही है मैंने, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके नाइस किंग, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से हम अपने फाइट को शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइम से गए कि बिना मतलब स्किन का आपको लड़ना है, ठीक है फुल मैच आपको बिना स्किन का लड़ना है। यहाँ पे जो ये बैट क्लब वाली फाइट होगी इसमें बिना स्किन का लड़ना है, मतलब स्किन नहीं अपने ऊपर चढ़ानी है, ठीक है कवर स्किन से नहीं करनी है, आपकी आर्मर फुल टाइम मेरे को दिखनी चाहिए। अगर आर्मर नहीं दिखती अगर आपने स्किन यूज करा गाइस तो फाइनली मैं समझ जाऊँगा कि आप चीट कर रहे हो, और मैं अब यहाँ पर लॉक डालने जा रहा हूँ ताकि कोई बंदा अंदर ना आ सके, जो भी है जिसको भी आना था वो आ चुके हैं, आप कोई बंदे को लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज वो बंदा जो आप बाहर देख रहे थे गाइस वो 13-10 था जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी अंदर में, क्योंकि वो पहले ही बैच विनर हो चुका है। अब हम अपना काम शुरू करते गाइस, मुझे थोड़ी सी बूट चाहिए, अब मैं करने वाला क्या हूँ गाइस ये देख लो भाई, मेरे को फाइट ये थोड़ी जल्दी ख़त्म करवानी है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए बूट और इसे मैं चारों तरफ से थोड़ा एरिया छोटा करने वाला हूँ, ये देख लो एरिया आप छोटा कैसे करते गाइज ये देख लो भाई। अगली बार भी मैंने इसी तरह करा था कि जिससे फाइट थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी मैं एरिया को थोड़ा सा छोटा करा, सिटी यार ये बीच में क्यों लग गया, मतलब मैं साइड साइड से इसको बंद करता हुआ जाऊंगा, ये देखो ओके हमारा एक लाइन तो बंद होने वाला है, देख लो भाई ओके अब इधर की भी लाइन हम बंद कर देते हैं जल्दी सा, क्योंकि एरिया जितना ज़्यादा छोटा होगा गाइज फाइट उतनी ही जल्दी एंड होगी और फाइट में मज़ा भी आएगा। बच गया भाई ये बंदा, अभी फंस जाता बॉल में, अबे निकल जा भाई जल्दी सा, उधर से निकल मैं पैक कर दूंगा, जल्दी निकल, चलो वो भी निकल गया। इस तरह आप एरिया को जब छोटा कर देते हो गाइज तो मतलब फाइट थोड़ी जल्दी अब एंड होने की उम्मीद है, नहीं तो जगह इतनी बड़ी थी गाइज और बंदे थोड़े कम है, तो इसीलिए मतलब फाइट तो ये चलती रहेगी, सारे इधर उधर दौड़ते रहेंगे बचने के लिए, ठीक है तो इसीलिए मुझे एरिया को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, ये देख लो अंदर में किसी को कोई बैग नहीं है गाइज कि कोई भी बंदा उठ के मतलब फिर से जिंदा हो जाए, ऐसा कोई बैग नहीं है। तो यहाँ पे जो भी एक बार नॉकआउट हो गया तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देख लो भाई इस बार क्या करते हैं, इस मैच में गए ये देख लो कुछ लोग स्किन पहने हुए, मेरे को ये नहीं पता है गाइस कि उस स्किन के पीछे आर्मर है ना क्या है, तो इसीलिए मैंने बोल दिया पहले ही कि नेक्स्ट मैच जब भी होगा गाइस तो स्किन आपको नहीं चढ़ाना है अपने ऊपर, कवर नहीं करना है, ठीक है। और इस बार गाइस जो भी बंदों को मिलेगा वो नए बंदों को ही मिलेगा, आप चाहे तो आप अपने प्लेयर को मतलब आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, लेकिन हाँ आप उसे मतलब सपोर्ट करो पूरा जितना हो सके, बैट ड्रॉप के पास सपोर्ट करो या चाहे जैसे सपोर्ट करना है करो, लेकिन हाँ जो बंदे एक बार ले चुके हैं इस बार वो फिर उसे नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो इस बार ये सर्वर अभी लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ टाइम रेस्ट करूँगा, उसके बाद भी बाद ही फिर सर्वर बनेगा भाई। यार रेस्ट करने का कोई और खास कारण नहीं है भाई, मतलब कि कुछ लोग हैं जो कि गाली गलौज कर रहे हैं भाई, और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाए,
जो अपने ही सर्वर में यार गाली गलौज करते हो, एक तो मतलब दूसरे सर्वर में ऑफिशियल सर्वर में, इससे अच्छा तो ऑफिशियल सर्वर लगता है गाइस कि जहाँ कोई गाली गलौज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ तो भाई अपने ही सर्वर में हो रही है, क्या ही बोलूँ मैं। ओके तो अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है, अभी भी हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो, ओ भाई अंदर कौन है यार। चलो यहाँ पे मेरे को अब ये भी घेरना पड़ेगा इधर से, ताकि और एरिया छोटा हो जाए। ये देखो भाई, ओके चलो कोई फंसा तो नहीं यार अपने, मतलब इधर इधर इसके बीच में नहीं फंसना चाहिए यार कोई बंदा, नहीं तो बोलेगा भाई मैं तो इधर ही रह गया था, निकल भाई जल्दी उधर से। ओ भाई चलो अब हो गया बंद इधर, एक और एरिया मुझे बंद करनी होगी इधर की, जिससे कि फाइट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए भाई। ओनली थ्री बंदे बचे हुए, ये देखो। ओके चल भाई जल्दी सा ख़त्म कर कहानी। ओके स्वीटिया और किंग यहाँ पे, ये दोनों टीम के जैसा खेल रहे थे, और किंग भाई यहाँ पे पता नहीं गाइस क्या हो जाते, मुझे नहीं समझ आया। अब ये देखो, या तो ये बंदा अपना आर्मर उतार रहा था भाई अंदर, ये देख लो, या तो इतना देर रुक के ये बंदा अपना आर्मर उतार रहा था, या फिर जो भी कर रहा था, इसीलिए मैंने बोल दिया गाइस इसके बाद से कोई भी बंदा मतलब ये नहीं करेगा गाइस कि मतलब स्किन लगा के खेलेगा, ठीक है। इसमें फुल टू टाइम आपको बिना स्किन का खेलना है, आर्मर जो भी रहेगा आप पे दिखना चाहिए, अभी ना आर्मर के खेलना है, ठीक है। और इस बार नए बंदों को नए बंदों को ही सिर्फ बैच मिलेगा, पुराने बंदे को इस बार से नहीं मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे किंग भाई विनर हो जाते हैं, क्योंकि स्वीटिया टीम में था तो वो नॉकआउट हो जाता है, वो अपने आप को किल कर लेते हैं। तो ये देख लो, आप इस तरह से अपने दोस्त की हेल्प कर सकते हो भाई, लेकिन हाँ भाई मतलब आर्मर पहन के नहीं खेलना है, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप दो को टीम में रहोगे, तीन को टीम में रहोगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि और भी बंदे रहेंगे, वो एक शुरुआत में 8-10 बंदे होते हैं, तो इसीलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने मेडल इसमें डाल दिया है और सबको यहाँ पर टर्फ दे दिया है। अब फाइनली हमें कुछ मिनट्स की वेट करनी होगी, या लगभग अब हमारा टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जल्दी सब देखते गाइस कि हमारा विनर कौन होता है। तो 1 2 3 ये देख लो भाई, हमारा विनर यहाँ पे आ चुके हैं, 13 डच और किंग एच। तो फाइनली आज की वीडियो यहीं तक गाइस, फिर से नेक्स्ट सर्वर स्टार्ट हो चुकी है उर्वेश वाईटी, और आई होप कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए होंगे। तो गाइस इस बार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नए बंदों को ही बैच मिलेगा, जो पहले से ले चुके बैच उन्हें दोबारा नहीं मिलने वाला इस सर्वर में, और हाँ आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक, बाय बाय।